देखिए, हम लोग जो टॉपिक देखेंगे उसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो क्या है, एक्चुअली में एक प्रोसेस है किस चीज का, तो एस्टेब्लिशिंग अ बिजनेस, किसी भी बिजनेस को स्टेबल करने का, उसको मैनेज करने का और ऑपरेट करने का। तो हमसे अगर पूछा जाएगा कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आप क्या समझते हैं, तो वो किसी भी एक सेटअप का क्या चीज है, तो उसको स्टेबल करना उसके बाद, या फिर उसको मैनेज करना और फिर उसको क्या करना, ऑपरेट करना। ठीक, उसके बाद क्या है कि अगर कोई नया आप सेटअप करते हैं किसी भी बिजनेस का या फिर किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसमें संभव है कि बहुत ज्यादा क्या होगा, तो रिस्क होगा। और अगर रिस्क बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा आपको क्या संभावनाएं हैं कि अवार्ड्स भी मिले, रिवार्ड्स मिले, रिवार्ड्स इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के टर्म्स में बहुत ज्यादा रिवार्ड्स मिलने की संभावना है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में समझिए क्लियरली कि क्या है, एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत आप क्या कर सकते हैं, किसी भी बिजनेस को स्टेबल करना है, उसके बाद फिर उसको क्या करना, मैनेजिंग करना और फिर उसको ऑपरेट करना। ठीक, जैसे इस पूरे कोर्स को पढ़ने के लिए हम लोग एक जो है सो मान लेते हैं ऐसा कि जैसे एक हम लोग का बिजनेस है किसी चीज का, या फिर कोई कंपनी है जिसका नाम है मान लीजिए क्या चीज, तो आशुतोष एंड कंपनी। तो ये हम लोग एक कोई ऑर्गेनाइजेशन मान लिए, किसी भी चीज का हो सकता है, या फिर ये किसी भी चीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक कंपनी है आपको, जैसे अभी हम लोग सोच रहे हैं प्लान कर रहे हैं, प्लांट का कुछ करें, तो मान लीजिए एक प्लांटलेट्स टाइप का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, आशुतोष एंड कंपनी का एक यूनिट है क्या चीज, प्लांटलेट्स। इसी को सेंटर में रख करके हम लोग सारा चीज जो है सो पढ़ेंगे। अब देखिए इस दूसरे स्लाइड्स में हम लोगों ने क्लियरली क्या समझने का कोशिश किया है कि तीनों चीज अलग अलग कैसे है। सबसे पहला एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप और एक एंटरप्राइजेस। ठीक है, एंटरप्रेन्योर कोई एक आदमी है, जैसे मान लीजिए हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि आशुतोष एंड कंपनी या फिर प्लांटलेट्स नाम का कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए आशुतोष एंड कंपनी नाम का ही कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और उसका काम है जैसे ये लाइट जल रहा है वो लाइट बनाना, मतलब लाइट मैन्युफैक्चर करने की कंपनी है जो लाइट बनाती है और उसकी नाम है आशुतोष एंड कंपनी। अब हम क्या हुए, तो एक एंटरप्रेन्योर हुए, क्योंकि हमने क्या किया, एक कंपनी बनाया जिसका नाम है आशुतोष एंड कंपनी, तो हम एक क्या है, एंटरप्रेन्योर। उसके बाद बनाया क्या, तो एक एंटरप्रेन्योरशिप, बनाने की जो प्रक्रिया है उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। और क्या बना रहे हैं, तो हम बना रहे हैं एक कंपनी, और जो तैयार हुआ एक खाका या स्ट्रक्चर वो क्या हो गया, एक एंटरप्राइजेस, और जिसका नाम हुआ क्या, तो आशुतोष एंड कंपनी। तो समझिए बातों को, एंटरप्रेन्योर मतलब पर्सन, जो हम काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, कंपनी बना रहे हैं, वो क्या है, एक प्रोसेस, उसको कहेंगे हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप, जो काम कर रहे हैं उसको। और जो बन करके तैयार हुआ वो है एंटरप्राइजेस, वो क्या है आपका, आउटकम्स, और उसका नाम हुआ आशुतोष एंड कंपनी। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत परेशानी? अभी देखिए क्या क्या प्रोसेस है एक एंटरप्रेन्योर, प्रोसेस क्या क्या है, इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहला क्या है, आइडिया जनरेशन। जैसे अभी बात कर रहे थे हम लोग, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आइडिया है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइडिया जनरेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जिसका नाम होगा क्या चीज, तो क्या नाम होगा, आशुतोष एंड कंपनी, और जो क्या करेगी, तो लाइट को मैन्युफैक्चर करेगी, मतलब
लाइट जो ट्यूब है या फिर जो भी चीज है लाइट संबंधित जो इंस्ट्रूमेंट है या इक्विपमेंट है उसको मैन्युफैक्चर करेगी। मतलब लाइटिंग इक्विपमेंट को क्या करेगी, तो मैन्युफैक्चर करेगी। तो ये मेरे दिमाग में आया कि हमको एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है जो क्या करे, तो लाइटिंग का जो इक्विपमेंट है उसको मैन्युफैक्चर करे। तो उसको नाम दिया हमने क्या चीज, पहला जो प्रोसेस है वो क्या है, आइडिया जेनरेशन का, मतलब मेरे दिमाग में आया। अब जब हम ये आइडिया है मेरे दिमाग में, तो हम क्या करेंगे, इसका एक रोड मैप तैयार करेंगे। और रोड मैप जो तैयार करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, डेवलपिंग बिजनेस प्लान, ठीक है ना, कि हम लोग कैसे इसको धरातल पे लाएंगे उसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, बिजनेस प्लान। ठीक, अब जैसे प्लान बना लिया, पहला स्टेप है आइडिया जनरेशन, दूसरा है डेवलपिंग बिजनेस प्लान, तीसरा है फंड रेजिंग। फंड रेजिंग मतलब कि हम जो ये चीज बनाएंगे तो उसमें जो पैसे लगेंगे वो कहां से हम लाएंगे, दैट्स फंड रेजिंग। फोर्थ जो है वो प्रमोटिंग, जो हमने बनाया उसको हम लोग कैसे दूसरे तक पहुंचाएंगे कि हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसका काम ये है, या ये कंपनी बनाया है जिसका ये काम है, उसको हम लोग कहेंगे प्रमोटिंग। उसके बाद कमेंसिंग या फिर स्टार्ट वर्क, किसी एक तिथि से हम लोग उस काम को स्टार्ट करेंगे उसको हम लोग कहेंगे कमेंसिंग या फिर स्टार्ट वर्किंग। और लास्ट वन इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन आपका रन करेगा तो जो आप रेवेन्यू जेनरेट करेंगे दैट्स हार्वेस्टिंग। तो ये 6 प्रोसेस है एंटरप्रेन्योर प्रोसेस। सबसे पहला क्या चीज, आइडिया जनरेशन, दूसरा है डेवलपिंग बिजनेस प्लान, तीसरा है फंड रेजिंग, चौथा है प्रमोटिंग, पांचवा है कमेंसिंग और स्टार्टिंग ऑफ वर्क, और 6th वन इज हार्वेस्टिंग। ठीक, तो यहीं तक यहां पे इस वाले सेक्शन में हम लोग देखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे देखेंगे।